हाल ही में सिद्धार्थ आनंद ने टाइगर श्रॉफ को लेकर रैम्बो का रीमेक हिंदी में बनाने की घोषणा की। इससे कुछ लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि सिद्धार्थ ने ये फिल्म ऋतिक रोशन को लेकर प्लान की थी। ऋतिक को लेकर सिद्धार्थ टॉम क्रूज की फिल्म नाइट एंड डे का ऑफिशियल रीमेक हिंदी में बैंग बैंग नाम से बना चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सिद्धार्थ ने रैम्बो रीमेक की प्लानिंग कर ली थी। सूत्रों के अनुसार सिद्धार्थ ने ये फिल्म पहले ऋतिक को ही ऑफर की। सिद्धार्थ का मानना है कि ऊंचे पूरे और हैंडसम ऋतिक ही बॉलीवुड के ऐसे हीरो हैं जो सिल्वेस्टर स्टेलोन की जगह ले सकते हैं। ऋतिक भी इस रोल को लेकर उत्साहित थे। ऋतिक को ये रीमेक इसीलिए नहीं जमा क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो बैंग बैंग में वे कर चुके हैं, लिहाजा उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। ऋतिक की जगह टाइगर ने ले ली। रैम्बो का पोस्टर भी हाल ही में जारी हुआ है जो सिल्वेस्टर स्टेलोन को भी पसंद आया। ऋतिक का निर्णय सही है या गलत, रैम्बो रिलीज होने के बाद पता चलेगा।